हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के संसार के कुछ इम्पोर्टेंट मानचित्रों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आप इनकी प्रैक्टिस करके मानचित्र में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी मानचित्र तो सबसे पहले आपके सामने जो मानचित्र है उसमें पूछा गया है कि संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है यह आपको बताना है तो यहां पर उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है वह है कनाडा ये उत्तर अमेरिका है यहां कनाडा सबसे बड़ा देश है दूसरा है दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में जो देश है वो सबसे बड़ा है ब्राजील यह पिचासी लाख पंद्रह हजार सात सौ सड़सठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये ब्राजील है तीसरा है यूरोप यूरोप में फ्रांस और रूस दोनों आते हैं रूस एशिया और यूरोप दोनों जगह फैला हुआ है नेक्स्ट है अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप है इसमें है अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है यह तेईस लाख इक्यासी हजार सात सौ इकतालीस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह कौन सा है ये वाला अल्जीरिया ये किसमें है अफ्रीका महाद्वीप में चौथा है एशिया एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है वह चीन है कौन सा है चीन चीन है इसका वर्ग क्षेत्रफल है सत्तानवे लाख छः हजार नौ सौ इकसठ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा द्वीप है यह क्षेत्र लाख बानवे हजार और चौबीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है या मैप है जो आपके सामने है इसमें पूछा गया है कि संसार के प्रमुख निर्वाहन संग्रह क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले है कि उत्तरी कनाडा कौन सा है उत्तरी कनाडा ये यहाँ है ये सबसे प्रमुख निर्वाह संग्रह क्षेत्र है कृषि के बारे में है ये दूसरा है उत्तरी यूरेशिया ये उत्तरी यूरेशिया ये वाला इसको बताना है अगर पूछा जाता है आपसे तो तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया तो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये ये वाला पोर्शन है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का है चौथा उषण कटिबंधिया अफ्रीका तो ये उषण कटिबंधीय अफ्रीका प्रदेश है और नेक्स्ट है अमेजन बेसिन जो ये वाला ये अमेजन बेसिन है नेक्स्ट क्वेश्चन मैप आपके सामने जो आपसे पूछा जा सकता है कि संसार में संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है तो उत्तर अमेरिका में पूछा जाता है तो उत्तर अमेरिका है ये ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तर अमेरिका है सॉरी उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका है, इधर यह है उत्तर अफ्रीका है नॉर्थ अफ्रीका यह वाला है यहाँ यह टाइप करने में मिस्टेक हो गया है यह है उत्तर अफ्रीका ये वाला पोर्शन इसको आप पुनः ध्यान से देखें यह उत्तर अफ्रीका है अफ्रीका यह टाइप ये इस वाला सही है ये थोड़ा टाइप में गलत हो गया तो यह है उत्तर अफ्रीका यह वाला ठीक है दूसरा है यूरेशिया का टूड्रा प्रदेश ये वाला प्रदेश है यह है यूरेशिया का टूड्रा प्रदेश तीसरा है मंगोलिया मंगोलिया ये वाला ये मंगोलिया है चौथा है अरब प्रायद्वीप ये बी जो यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है यह प्रायद्वीप है नेक्स्ट है मेडागास्कर ये यह डी पे यहाँ मेडागास्कर है और इसे है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तो ये वाला जो पोर्शन है ये है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का है नेक्स्ट मैप है आपके सामने कि संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है तो सबसे पहले ए यानी यह या है संयुक्त राज्य अमेरिका ये वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरा बी बी में है अर्जेंटीना और उरुग्वे ये वाला ठीक है नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये वाला सी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका अगला है सोवियत रूस नेक्स्ट ये वाला है ये सोवियत रूस है यह एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ये वाला ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड ये न्यूजीलैंड है ठीक है तो ये पूछा जाता है तो आपको इस तरह से याद करना है और आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है तो इसमें है अमेरिका अमेरिका में प्रेरीज अमेरिका में प्रेरिज ये है अमेरिका में है प्रेरीज है एशिया और यूरोप में स्टेपीज स्टेपीज एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है ये एशिया और ये यूरोप वाला प्रदेश है यहाँ स्टेपीज है तीसरा अर्जेंटीना में है पम्पाज पम्पाज ये अर्जेंटेना यहाँ पर पम्पाज कृषि वाणिज्य कृषि के क्षेत्र हैं चौथा है, है दक्षिण अफ्रीका में वेल्स ये वाला दक्षिण अफ्रीका वेल्स ये घास के मैदान भी पाए जाते हैं और यहाँ वाणिज्य कृषि भी ज़्यादा होती है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में डाउंस ये वाला ऑस्ट्रेलिया इसमें डाउंस है और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड यह है पिछले उसमें भी बताया था यह है कैटरबरी न्यूजीलैंड में कैटरबरी है यह आपको अच्छे से ध्यान से देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं आप बताना है कि उत्तर अमेरिका का पश्चिम भाग है ये उत्तर अमेरिका का पश्चिम भाग दूसरा उत्तर पश्चिमी यूरोप ये वाला उत्तर पश्चिमी यूरोप ये यूरोप वाला पोर्शन है, तीज़ां तीज़ां है तीज़ां तीज़ां तीज़ां। तीज़ां तो यहाँ उत्तर पश्चिमी यूरोप है तीसरा यूरेशिया यूरेशिया उसको बोलते हैं यूरोप और एशिया को मिलकर जो बना हुआ है वो है यूरेशिया तो यह है ये वाला क्षेत्र यह है यूरेशिया चौथा है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका ये अफ्रीका ये है तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका ये वाला पोर्शन है नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के शीतोषण अक्षांश वाले प्रदेश ये ये आपको दिखाई दे रहा है ई में ये है दक्षिण अमेरिका के सम अक्षांश वाले प्रदेश तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है और देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन यह मानचित्र आपके सामने है जो परिवहन और संचार वाले चैप्टर में से है यह है कि संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतिम श्रो के स्टेशन कौन कौन से इस तरह से पूछा जा सकता है तो ये एक है पार साइबेरियन रेल मार्ग ये ये कहाँ से यह है सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ यहाँ से और कहाँ तक है उसको यहाँ ये यहाँ तक इसको एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है दूसरा है पार कनेडियन पार कनेडियन ये वाला पोर्शन है और ये कहाँ से कहाँ तक है तो यह बैंकुअर ये यहाँ है बैंकुअर ये यह यह, और यहाँ से हेलीपैक्स ये वाला निशान है यहाँ हेलीपैक्स ये यह यहाँ तक जोड़ता है नेक्स्ट है आपका कि पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियन वाला ये पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है ये कौन सा है यह है पर्थ से ये पर्थ है ये वाला पोर्शन और ये सिडनी ये सिडनी है तो ये किसको जोड़ता है पर्थ से सिडनी को जोड़ता है नेक्स्ट आपके सामने मानचित्र है कि संसार के प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पर ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये समुद्री पत्तन है लेकिन इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा डिवाइड कर दिया है आपको समझाने के लिए कि उत्तर अमेरिका है उत्तर अमेरिका में कौन कौन से हैं तो उत्तर अमेरिका में बैंकवर, बैंकवर ये रहा उत्तर अमेरिका ये वाला पोर्शन यहाँ बैंकवर है न्यू आर्लियस ये न्यू आर्लियस है ये यहाँ पर है तीसरा है सान फ्रांसिस्को तो ये सान फ्रांसिस्को ये वाला ठीक है ने? और ये वो किसमें है उत्तर अमेरिका में किसमें है ये उत्तर अमेरिका में आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन ये है तो दक्षिण अमेरिका में कौन कैसे डी जेनेरो वाला डी जेनेरो है उसके बाद में है कोलोन कोलोन कहाँ पर है कोलोन येरा ये भी दक्षिण अफ्रीका का है अमेरिका का सॉरी उसके बाद में है वेल पारसिया तो ये कहाँ है ये है ज़िए ज़िए ज़िए। और वेलपारसिया इसमें है एक मिनट ये वाला ये पोर्शन ये है वेलपारेशियो ठीक है अब है अफ्रीका अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में कौन कौन से हैं इसमें है ये अफ्रीका में स्वेज है दूसरा केपटाउन केपटाउन कहाँ है येरा कैपटाउन यहाँ पर है और ये दो ही अफ्रीका में हैं नेक्स्ट संसार के जो प्रमुख पत्तन हैं उनमें है एशिया एशिया महाद्वीप ये वाला एशिया महाद्वीप है इसमें कौन सा है इसमें कराची जो पाकिस्तान में है ये यहाँ पर है ठीक है ये कराची है दूसरा कोलकाता कोलकाता राज्य भारत में है पश्चिम बंगाल में है ये ठीक है उसके बाद अदन अदन ये है यहाँ पर शंघाई शंघाई ये वाला यहाँ पर है और हांगकांग हांगकांग भी इसी के पास में शंघाई के पास ही हांगकांग है और याकोहामा याकोहामा ये है ये यह यहाँ पर आपको दिखाया गया है पॉइंट के माध्यम से और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है मेलबर्न है और पर्थ है ये पर्थ है ये ऑस्ट्रेलिया में हैं नेक्स्ट मैप आपके सामने आपसे पूछा जा सकता है कि संसार के प्रमुख वायु पत्तन कौन कौन से हैं तो बहुत सारे वायु पत्तन हैं संसार में लेकिन जो प्रमुख वायु पत्तन हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इसको भी इसी तरह से बताया कि एशिया में कौन कौन से हैं तो एशिया में टोक्यो ये एशिया है ये वाला पोर्शन है ये एशिया है एशिया में टोक्यो है बीजिंग है चीन में मुंबई भारत में है जय दादा कहाँ पर है ये ये वाला जय दादा ये वाला और अदन वाला, आदन, ये वाला अदन ये ठीक है इसी तरह से अफ्रीका अफ्रीका कहाँ पर है ये रहा अफ्रीका यहाँ पर है तो अफ्रीका में कौन कौन से है जोन्सबर्ग और नरोवी प्रमुख वायुपत्तन है फिर यूरोप यूरोप यहाँ यूरोप है ये ये वाला ये थोड़ा ये ये वाला पोर्शन है ये यूरोप का है तो यूरोप में लंदन है और मास्को है लंदन और मास्को है पेरिस है और बर्लिन है ये पेरिस है और ये बर्लिन है इसी तरह से उत्तर अमेरिका ये वाला पोर्शन है ये उत्तर अमेरिका का है इसमें कौन कौन से है शिकागो है शिकागो के बाद में न्यू लाजर्सी है ये वाला उसके बाद में मैकिस्को में सिटी है ये किसमें है उत्तर अमेरिका में है नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं ये दक्षिण अमेरिका है ये सेटियांगो है ब्यूनस ब्यून है ये इसमें है दक्षिण अमेरिका में है अब है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रबिन और विलिंगटन ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हैं तो इस तरह से आज मैंने आपको जो ये इम्पोर्टेंट मानचित्र बताए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए नाइस डे